लिटरली यार, ये जो लास्ट पेज है ना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चैनल। तो मेरा नाम दीप्ति है। काफी दिनों से मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी वेडिंग एल्बम पर वीडियो बनाओ। भाई एल्बम पर वीडियो तो तब बनाओ जब मैं एल्बम खुद ही देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं एल्बम देखती हूँ मुझे वही टाइम याद आ जाता है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थे हमारे घर वाले। इनफैक्ट मेरे घर वालों ने 3 महीने तक मुझसे बात नहीं की थी। 3 महीने तक मैंने अपने घर में खाना नहीं खाया था शादी से पहले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम आपस में शादी करें और इंटरकास्ट मैरिज थी बोली। तो अब जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली और ठान ली, तो फिर तो मैं किसी की सुनने वाली नहीं थी। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया। सो फुली ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ये टोटली मेरा अपना डिसीजन था शादी करने का, कोई भी मेरे फेवर में नहीं था। तो एंड मोमेंट पर भी मुझे यही लग रहा था कि मैं शादी करके जा तो रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से अपने रिश्ते ख़त्म करके जा रही हूँ, ऐसा लग रहा था। सो फाइनली अब तो सब कुछ नॉर्मल है। शादी के कुछ टाइम बाद हो गया था सब कुछ नॉर्मल, बट उस टाइम पर वो जो 3 महीने तक अपने घर में खाना ना खाना और लाइक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और जो मैंने फेस की थी वो टाइम पर, क्योंकि जब भी हमारी शादी होती है तो हम उन चीज़ों को इन्जॉय करते हैं, हर फंक्शन को इन्जॉय करते हैं, शॉपिंग को इन्जॉय करते हैं, मार्केट्स में घूमना इन्जॉय करते हैं। मैं मार्केट्स में घूम तो रही थी बट एक मुर्दे की तरह, लाइक जा रहे हैं सामान खरीद के ला रहे हैं, मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही। 3 महीने तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी और हमने सब कुछ किया बट इट वॉज़ लाइक दैट कि सब कुछ दे रही है, मुझ पर ही थोपा जा रहा था सब कुछ कि जो कर रही है तो अपनी मर्जी से कर रही है, हम बीच में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तू इतनी बड़ी हो गई है, तेरे अपने डिसीजन एंड ऑल टाइप वाली सारे फीलिंग्स थी, मेरे सर मंडी गई थी। तो मेरी किसी भी फोटो में आपको मैं हंसती हुई नहीं नजर आऊँगी, एक उदास चेहरा है मेरा। सो एल्बम्स बहुत सारी हैं, लाइक पहले वाले जो शादी से पहले वाले जो फंक्शंस होते हैं रोके वोके, उनकी भी एल्बम्स है। फिलहाल जो है आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की एल्बम, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है दीप्ति की, जिसकी शादी 16 जनवरी 2013 को हुई थी। तो आप हर फोटो में मुझे पाओगे कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मेरे चेहरे पर उदासी है और इनफैक्ट मैं रोना चाह रही हूँ पर मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मेरा मेकअप जो है धुल जाएगा। तो आप पहली फ़ोटो में पाओगे कि दूल्हा जो है बहुत ज़्यादा खिल-खिल के मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे मालूम है उसे खजाना मिलने वाला है। खजाना कौन, मैं मिलने वाली हूँ। पहली फ़ोटो में देख सकते हो मेरा मुँह जो ऐसे है और कैमरामैन मुझे बार बार कहे जा रहा है कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ। भाई मुस्कुराऊँ कहाँ से, यहाँ तक तो मेरे आंसू भरे हुए हैं, तो उदासी है। अब दूसरी फ़ोटो में मैं आ जाती हूँ, फ़ोटो का भी यही हाल है, यहाँ भी मैं उदास हूँ और दूल्हे के चेहरे पर जो है हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही। वैसे ये हंसता नहीं है पर जो है शादी वाले दिन कुछ ज़्यादा ही खुश था। तो एक तो सबसे ज़्यादा शादी के टाइम पे ना हालत पता है कैसे ख़राब हो जाती है, पोज मार मार के तो, और मुँह ऐसे कि बस अगर मुझे किसी ने एक शब्द बोला ना दुख भरा तो मैं रो पड़ूंगी। तो ये एल्बम है दीपक के घर की, यहाँ पर आपको कुछ फोटोएं देखने को मिलेगी जो हल्दी वल्दी होती है ना, तो मेरे घर वाली एल्बम नहीं है यहाँ पर। अगर आप वो भी देखना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर भी मैं रोस्ट कर दूंगी। तो ये वाला जो पेज है यहाँ पर हल्दी चल रही है, यानी कि हल्दी की रस्म चल रही है। तो यहाँ पर चाची भाभी और सिस्टर्स जो हैं हल्दी लगा रही हैं। सो यहाँ पर बुआ भी हैं दीपक की और एक और बुआ है जो सबसे बड़ी बुआ है वो भी है, और पंडित जी भी आए हुए हैं साथ साथ। तो दूसरी फ़ोटो में ये पता नहीं क्या हो रहा है, एक धागा सा लगाया, आई डोंट नो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, पता नहीं मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, बहुत साल हो गए हैं शादी के तो मैं भूल भी गई हूँ। तो दीपक के जीजा जी जो हैं वो ढक्कन ही होते काई के, ढक्कन जो मटके के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है वो काफ़ी सारे ढक्कन हैं और उनको कहीं बांध रहे हैं। अब ये नहीं मुझे पता इनको क्या बोलते हैं, और ये भी कोई रस्म होती होगी, इट्स अ पार्ट ऑफ रस्म, तो वो हो रही है यहाँ पर। और जो लाल लहंगे में दीपक की सिस्टर है तो यहाँ पर तिलक चल रहा है, तो अब घुड़सवारी की जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अब आ गई हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ दुल्हा रेडी है एकदम, भाई साहब बिल्कुल मूड में है, दुल्हन हम ले जाएंगे। और दूल्हा जो है अभी कैमरा मैन बन के खड़ा हुआ है और मुस्कुराया जा रहा है, तो सेम जो है हंसी में देख पा रही हूँ अभी। तो यहाँ पर पगड़ी बंध रही है। सो यहाँ पर जो है मैं बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स के बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। सो बेसिकली इस फोटो में आपको यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है वो फाइनल रस्में चल रही हैं जब लड़का घुड़सवारी के लिए तैयार होता है। सो यहाँ पर अगेन
आरता, और ये शायद आई गैस ये आरता की थाली है और लाल लहंगे में दीपक की सिस्टर है, तो यानी कि मेरी नंद। तो यहाँ पर जो है वो एक थाली लेके खड़ी हुई हैं, और थाली में मैं गौर से देख पा रही हूँ एक आटे का दिया है और जो है बत्ती बुझ चुकी है और शायद कुछ चावल रखे हैं। तो इस रस्म को भी क्या बोलते हैं आई डोंट नो। मैंने एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत कम मैरिज अटेंड किया, और डीपली मतलब उस फैमिली में रह के सारे फंक्शंस को देखना और जो भी रस्में होती हैं उनके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमारी शादी हुई थी तो कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट है। लाइक मेरे मौसा जी, दीपक के कज़न थे, और मतलब दो तीन लोग और हैं, तो किसी की, और सबकी सबसे बड़ी बात यह है अननेचुरल डेथ हुई है, तो जो कि बहुत एक दुख वाली बात है, बट क्या कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं तो उन्हें हम नहीं रोक सकते हैं। तो ज़िंदगी चलने का नाम है और आगे बढ़ने का नाम है, तो आगे शुरू करते हैं। तो दूल्हे राजा जो है घुड़सवारी की तैयारी कर रहे हैं। और एक और बात बताऊँ मैं, बहुत फ़नी है एक्चुअली। क्या है ना, जब शादी हो रही थी ना, तो दीपक को ना बस एक ही चीज़ का शौक नहीं था, घोड़े पे बैठने का। तो उसने मुझे बोला कि ना यार, शादी होगी ना तो ना मैं घोड़े पे बैठ के नहीं आऊँगी। मैंने बोला यार ये कैसा दूल्हा है कि बोल रहा है मैं घोड़े पे बैठ के नहीं आऊँगा। दुनिया बोलती है, दुनिया का ड्रीम होता है, लोगों का ड्रीम होता है कि मैं घोड़े पे जाऊँगा और लड़की लेके आऊँगा, और इस आदमी का कैसा ड्रीम है, ये घोड़े पे नहीं बैठना चाहता। इसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता था घोड़े पे बैठना। मैंने बोला अगर शादी करनी है ना तो घोड़े पे बैठ के आना, नहीं तो निकल ले। सो यहाँ पर दीपक की मासी और दीपक की सिस्टर जो हैं वो लाइक वारफेयर कर रहे हैं। देखो मुझे वर्ड्स याद आते जा रहे हैं। सो और यहाँ पर जो हैं दीपक के जीजा जी और भैया जो है डांस कर रहे हैं। तो बेसिकली अब वो वाली फ़ोटोग्राफ्स आ गई है जो डांस फंक्शन होता है शादी से पहले, घुड़सवारी करते हुए घोड़े के आगे लोग रास्ता घेर घेर के जो नाचते हैं, वो वाला फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर सब नाचना शुरू कर दिए हैं, और जो दीदी हैं वो चावल फेंक रही हैं पीछे से घोड़ी के, आई गैस। और सब ठरक ठरक के नाच रहे हैं एकदम, सब नाच नाच के पागल हो गए हैं। और मैंने सुना है कि दीपक ने अपनी शादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डांस किया था, और वो अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा डांस इसने किया था। डांस आता नहीं है वैसे करना, पर खुशी थी ना। 7 साल में दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, और जिनकी शादियाँ हुई थी उनको बच्चे पैदा हो गए हैं, तो ज़िंदगी चलती रहती है दोस्तों। तो यहाँ पर बस वही डांस का फंक्शन चल रहा है घुड़सवारी से पहले वाला, और वही रस्में वार फेर, ये वो आशीर्वाद, मंदिर जाना, मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेना, और सब बड़ों की दुआएं लेना, और बार बार पैर छूते छूते अपना जो है ड्रेसअप ख़राब कर लेना। भाई सब बड़ा मुश्किल होता है, मतलब इतने भारी भारी कपड़ों में फ़ोटोग्राफी कराना, उसके बाद कीप स्माइल करते रहना, लोग अड़ अड़ के आपसे फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, और कभी आपकी चुन्नी अटक जाती है, तो कभी आपके बाल अटक जाते हैं, कभी आपका सामान गिर जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। बट ये सारी चीज़ों के बावजूद आपको क्या करना होता है, सिर्फ अगर आपने ये नहीं किया ना तो लोग बोलेंगे उसकी शादी में गई थी, उसका मुँह देखा था कितना बड़ा बना हुआ था, कितना एटीट्यूड आ गया उसमें उस दिन के बाद। तो भाई अभी भी वही, अब जो है दीपक जी सवार हो चुके हैं रथ में, मैं बातों बातों में भूल जाती हूँ थोड़ा सा, रथ आ चुका है। तो पहले घुड़सवारी हुई, उसके बाद जो है रथ आया है, और रथ लेके ये हमारे एरिया तक पहुँच गए हैं बारात लेके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर बारात थी, लोकेशन था, जो फंक्शन था जिस एरिया में, इनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। 2 घंटे तक इनकी बारात जो है ना रोड पर खड़ी रही थी, हालांकि हमने बहुत सारी डेट मारी है शादी से पहले। पर शादी वाले टाइम में एक अलग फीलिंग होती है, हाय दीपक आ रहा है। उससे पहले भी दीपक कई बार आया, पर वो वाली फीलिंग नहीं आई थी। सो अगेन डांस चलता जा रहा है। और तो फाइनली ये मेरी वो वाटिका में पहुंच चुके हैं। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा था, इन्होंने एक बड़े से डंडे पर ऐसे लिखवाया था कैंडल से, दीपक वेड्स दीप्ति। तो जैसे ही ये वाटिका के बाहर पहुंचे थे तो वो सारी कैंडल्स जो हैं वो जली थी, और वहाँ पर उन कैंडल्स से लिखा हुआ आ रहा था दीपक वेड्स दीप्ति। मुझे बहुत अच्छा लगा था, सब सारी चीज़ों में अच्छा वो लगा था, और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे वो चमक रहा था, दीपक वेड्स दीप्ति लिखा हुआ। जनाब जो हैं अब हमारी वाटिका तक पहुँच चुके हैं, और तैयारी हो चुकी है इनकी आरता उतारने की। तो आरता से पहले लड़ाई हो रही थी हमारे घर में कि मैं उतारूँगी, पर मैं के चक्कर में मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी ना, मुझे चुप रहने को कहा गया था वो टाइम पे। सो एक तरफ डांस चल रहा है, दूसरी तरफ आरता की तैयारी हो रही है, और तीसरी तरफ फोटोग्राफी हो रही है, और अंदर आने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। भीड़ से मुझे एक चीज़ याद आती है,
तो जब एक्चुअली कह रहा, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हम दोनों ने आपस में डिसाइड किया था कि क्या होगा, कितने लोग आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो हमारी फैमिलीज़ की इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी, तो मैंने दीपक से पूछा कि भाई कितने लोग आएंगे. तो दीपक ने बोला 100 लोग आएंगे. मैंने बोला ठीक है. मेरे मम्मी ने बोला कितने लोग आएंगे. मैंने बोला मम्मी उसने 100 बोला है. तो ठीक है, मम्मी ने सोचा कि 100 बोला है तो 150 या 200 हो जाएंगे, भी डबल कर लिया. तो जैसे ही बारात आई तो हमारे ही ऑलरेडी 700-800 हज़ार लोग हो चुका था. बारात आने से पहले जो है हमारा खाना ख़त्म हो चुका था. और जब पतीलों की खुरचन थी ना वो सर्व की गई थी, और बहुत ऑकवर्ड चीज़ थी ये. और सबसे बड़ी बात, कमाल की बात यह है कि बारात 11 बजे आ रही है, तो मार्केट्स में लड़कों को भेजा गया, बड़े सारे लड़के निकाले गए, तू इधर जाओ, तू उधर जाओ, तू उधर जाओ, पनीर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए. पर लिटरली सिर्फ आटे का एक कट्टा मिला था 10 किलो का. तो बहुत गिनो चुनो लोगों को खाना मिला, और ऑलमोस्ट किसी की शादी पे ऐसा नहीं हुआ होगा. मेरी पूरी बारात जो है भूखी वापस गई थी. ओह माय गॉड. और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, अब मैं ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी. लड़के वालों ने कुछ दहेज तो मांगा नहीं, बस ये बोला था खाना खिला देना अच्छा, और वो भी खाना ही नहीं मिला उनको. मुझे ऐसा हुआ ना, जब हमारा हमारा अपना वाला जो वो था ना, हमारे जो अपने लोग थे, तो वो एरिया ऐसा था, लोग वहाँ भर भर के लेके चले गए पनियों में, और पहले ही हमने बारात आने से पहले ही खाना खोल दिया, तो वो एकदम पता नहीं कहाँ से वो भीड़ टूट के पड़ी और खाना सारा ख़त्म हो गया. सो कितना गंदा टाइम था. मेरे हिसाब से ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा, अगर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बताना. पर मुझे इस चीज़ का आज तक कभी भी किसी ने कुछ ताना नहीं दिया, तो बहुत ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट था उस टाइम पे मेरे लिए. सो अब हम चलते हैं आगे की तरफ. सो यहाँ पर जो है आरता हो गई है, अंदर आ गए हैं लोग, फोटोग्राफी फिर भी चल रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, क्योंकि वाटिका की एक ऐसी लोकेशन थी कि वो मार्केट के अंदर थी, और मार्केट के अंदर बहुत ही बेकार लोकेशन थी एक्चुअली वो, हमारी वाली वाटिका की. सो वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी. सो वाटिका का साइज़ एक्चुअली छोटा पड़ गया था, बारात बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई थी. अब कोई बोले 100 लोग आ रहे हैं और आ गए 600-500 लोग, तो खाना तो खत्म होना ही था. सो यहाँ पर जो है मेरे पापा बैठे हैं और मामा बैठे हैं. सो आप देख सकते हो मेरे पापा जो है एकदम गुस्से में भरे हुए बैठे हैं लाइक दिस, और मेरे मामा क्या कर रही है, ये नहीं मानी ना, अच्छा कर ले अपने मन की. अब ये वाली फीलिंग थी सबकी, अगर मेरे मामा पापा वीडियो देख रहे हैं ना तोड़ देंगे मुझे. सो भाई अब वही अगेन जो है, पापा तिलक फंक्शन चल रहा है, एंड वो चल रहा है जो दान दहेज जो लड़के वाले लड़की को देते हैं ज्वेलरी, वो दिखानी होती है आपको, और जो लड़की वाले देते हैं वो आपको दिखाना होता है. सो वो ये सब कुछ वही चल रहा है. सो अगेन वही फोटोग्राफी. यहाँ पर खड़ी हैं मम्मी, सिस्टर और एक कज़न, और आप मेरी आँखों में देखो. सो बहुत ही दुख भरा हुआ है मेरी इन आँखों में. तो यहाँ पर फंक्शन आ गया अब जयमाला का, और ये इतना गंदा आदमी है मेरा पति, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को. मतलब पैम्पर किसको बोलते हैं, इसको करना नहीं आता. अब मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, बींग अ गर्ल, बंदा मेरा हाथ पकड़ ले, मैं सोच रही हूँ मेरा हाथ पकड़ ले, और मेरे हाथ में लहंगा है, और जो वो स्टेज वो वाला था रिवॉल्विंग स्टेज होता है ना, जिसके ऊपर हम चढ़ के एक मंजिल जाते हैं और फिर वो ऐसे ऐसे घूमता है और फिर फूल बिखरते हैं, वो वाला स्टेज था. अब इतना भारी रहेगा लेके मैं ऊपर चढ़ी हूँ, मैं सोच रही हूँ बंदा हाथ ही पकड़ ले. मजा ले, इस इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा होगा, बताओ कोई करता है क्या लड़की के साथ शादी वाले दिन भी ऐसे, इसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा. और मैं सोच रही यार मैं ही आगे से इसको हाथ दूंगी तो लोग क्या बोलेंगे. मैं भी बड़ी ढीठ थी, चढ़ गई ऐसे अपने आप ही. सो फाइनली यहाँ जयमाला हो चुकी है, और मैं थोड़ी भरी हुई थी गुस्से में, क्योंकि कुछ बात ऐसी हो गई थी जो मैं भी नहीं बताऊंगी कैमरा के सामने. तो फाइनली उस टाइम भी मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू हैं, और बस मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैंने उन आंसुओं को कैसे कंट्रोल किया. सो फाइनली डांस अभी भी चल रहा है, और जो है जयमाला हो चुकी है. और इस फोटो में आप देख सकते हो दीपक जी कैसे खुश हो गए हैं जयमाला होते ही. फाइनली उन्होंने वो अचीवमेंट कर ली है जो उनको लग नहीं रहा था कि वो कर पाएंगे. देख सकते हो एक डाइनिंग टेबल लगाई थी दूल्हा दुल्हन के खाने की, तो इस टेबल पर जो है खाना बहुत ही गिना चुना आया था. जले हुए नान मिले थे खाने को, और बहुत ही कम वैरायटी की सब्जी थी, और अगर कुछ सब्जियां बची थी तो उन सब्जियों में पानी मिलाया गया था, और कच्चा पनीर वापस सब्जियों में डाल दिया गया था. तो कैसे भी करके नाक बचाने के लिए 15-20 लोगों को खाना खिला दिया था.
और सो अब हम आ गए हैं हमारी गली में, जो जयमाला का फंक्शन हुआ था उसके बाद फेरे जो हुए थे वो मेरे जस्ट घर की चौखट पे हुए थे। तो पहले के ज़माने में पहले के लोग ऐसे कहा करते थे कि लड़की को विदाई जो है चौखट पे करनी चाहिए, और जो फेरे हैं वो अपनी चौखट पे ही घर के आंगन में होने चाहिए। तो आंगन तो था नहीं, तो घर की गली में जस्ट लाइक गेट से जस्ट बाहर ही हमारे फेरे हुए, और ठंड इतनी ज़्यादा थी तो मेरा अरेंजमेंट कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। मुझे मालूम नहीं था कि ठंड इतनी ज़्यादा होगी जनवरी की शादी में, तो मैंने कोई बिस्तरों का अरेंजमेंट नहीं कराया था। सड़े गले बिस्तरे निकाले गए, वो गली में बिछाए गए, देन लड़के वाले वहाँ बैठे, फिर भी वहाँ भी थोड़ी बहुत नाक हमारी बच गई। और उसके बाद देन फंक्शन स्टार्ट हुआ। दीपक की कज़न जो है वो मेरे सिर पे वो क्या बांध रही है, मुकुट बांध रही है। और किस किस के घर में ये वाली रीत होती है ज़रा कमेंट सेक्शन में बता देना। और मेरा कज़न जो है मुझे सीढ़ियों से उतार रहा है, और फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, फेरे चल रहे हैं, दीप्ति रानी अभी भी बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई है, और किसी भी चेहरे पर मेरे खुशी नहीं है। अगर कोई एल्बम देखेगा तो वो बोलेगा लड़की की ज़बरदस्ती शादी की जा रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़की ने शादी अपनी मर्जी से की है, होश हवाश में की है। सो फंक्शन ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म हो चुका है, और फाइनल रीत रिवाज हो रहे हैं जो थापे लगते हैं, थापे ऐसे करके ऐसे लड़की के लगते हैं जब वो विदा होती है लास्ट मोमेंट पे। तो थापों की रस्म भी यहाँ चल चुकी है, और पापा जी जो हैं तिलक कर रहे हैं, मम्मी जो है लड्डू दे रही हैं दीपक की गोदी में, और मामी जो है लड्डू से मुँह मीठा करा रही हैं, और फाइनल लास्ट तिलक चल रहा है लड़के का। और अब ऐसा बोलते थे ना मामा जो है लड़की को गोदी में लेके विदा करेंगे, बट मैं इतनी भारी थी तो मामा मुझे गोदी में तो ले नहीं सकते थे, तो मामा ने मुझे चला के ही जो है गाड़ी तक चलना उचित समझा मेरे साथ। और अब मैं फूट फूट के रोना शुरू हो गई हूँ कसम से। ये वाली मोमेंट मेरे लिए ऐसी थी कि शादी के कई महीने बाद तक भी जब मैं ये एल्बम देखती थी ना तो मैं रो पड़ती थी। तो इसलिए मैंने इस एल्बम को ऐसी जगह रखा कि मेरे हाथ ना लगे और मैं इसको ना देखूँ और मैं ना रोऊँ। लिटरली यार ये जो लास्ट पेज है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हॉरेबल पेज है। दूल्हा तो फटाक से रफ्तार में आगे चल रहा है, उसे क्या मतलब है, दुल्हन पीछे आ ही जाएगी, अब तो फिर हो चुके हैं, अब जाएगी कहाँ। और मामा जो है मुझे लेके जा रहे हैं, और मैं बहुत फूट फूट के रो रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने तिलक पिलक आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब उतार दी है, और मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। मम्मी भी फूट फूट के रो रही है, मामा भी रो रहे हैं, भाई घर की बड़ी बेटी थी मैं तो ये सब कुछ तो होना ही था। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वेडिंग वाली एल्बम आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इतनी ज़्यादा पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे पास एल्बमों का ढेर है, मैं और भी दिखा दूँगी आप लोगों को। तो अब मैं विदाई लेती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई होगी, ये तो एडिट करने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर।